हारून रशीद जो है बादशाह वक्त, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, उसका बेटा, नौजवान बेटा 16-17 साल की लगभग उम्र है, रब का फजल ऐसा हुआ कि दुनिया छोड़ी, शहाना जिंदगी तर्क की, मारी लात, गुदड़ी पहनी, फटा पुराना लिबास, दुनिया को छोड़ दिया। एक दिन वही हारून रशीद का बेटा उसके दरबार से गुजरा तो दरबारियों ने बादशाह से कहा, खलीफा से कहा कि हुजूर, इस बेटे ने आपको दुनिया के बादशाहों के सामने शर्मसार कर दिया है, रुस्वा कर दिया है। तो खलीफा हारून रशीद ने अपने उसी बेटे को बुलाया और बुलाकर फरमाया, बेटा तुमने मुझे दुनिया में रुस्वा कर दिया, तुमने ये अमीरी छोड़ के ये क्या तरीका इख्तियार कर लिया है, शहाना जिंदगी को छोड़ के ये क्या फटा पुराना लिबास पहन लिया है। शहजादा खामोश रहा, जवाब नहीं दिया, पलट कर पीछे देखा तो एक दरख्त नजर आया, दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ था। शहजादे ने परिंदे से कहा कि तुम्हें उस जात की कसम जिसने तुझे पैदा किया है, वहां से उड़ और मेरे हाथ पर आकर बैठ। परिंदा दरख्त से उड़ा और शहजादे के हाथ पर बैठ गया। फिर शहजादे ने कहा, जैसे उड़ के आए हो वैसे वापस दरख्त पे चले जाओ। परिंदा उड़ा, वापस दरख्त पे चला गया। फिर शहजादे ने कहा, अब तुम हारून और रशीद के हाथ पर बैठो, मगर परिंदे ने यह गवारा ना किया। अल्लाह, तो खलीफा हारून और रशीद का शहजादा अपने बाप से मुखातिब हुआ, कहने लगा, हजरत आपने मुझे औलिया के सामने शर्मसार कर दिया है, वो हर वक्त मुझे ये कहते हैं कि तेरा बाप दुनिया का दिल दादा है, आज के बाद मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी। है जी, मैं तुम्हें यहां नजर आता हूं ना तो तुम्हारे लिए रुसवाई का बायस हूं। फरमाया, आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। ये कहा, हाथ में कुरान लिया और एक अंगूठी ली और वो दुनिया से, इस दरबार से रुखसत हो गया। बसरा में जाकर रिहाइश इख्तियार की। वो कहते हैं ना, कारा के खबर शुद खबर अशबाज ना आए, जिन्हें रब की इतला हो जाती है ना, फिर दुनिया उन्हें ढूंढती है, उन्हें मिल नहीं सकते हैं जी। अल्लाह, बस कारा के खबर शुद खबर अशबाज ने आए, अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो बसरा में चला गया नौजवान, हफ्ते में एक दिन मजदूरी करता, सिर्फ एक दिन, सवा धर्म या एक धर्म मजदूरी के लेता और पूरे बाकी 6 दिन उसी पे गुजारा करता, खाना पीना, फट्टा पुराना लिबास है, जंगल की जिंदगी है। एक दिन अबू आमिर बसरी, उन्हें घर में कोई दीवार वगैरह बनवानी थी, मजदूरों की तलाश के लिए गए, हफ्ते का दिन था, तो वो देखा एक नौजवान नजर आया उन्हें, तो उस नौजवान से कहा कि चलो मेरे साथ दीवार बनानी है, मजदूरी कितनी लेनी है जी, ये मेरी मजदूरी है। वो नौजवान उठा, यही खलीफा हारून रशीद का शहजादा, गया और दीवार का काम करने लगा। अबू आमिर बसरी उसे दीवार के काम पे लगा के खुद अपने कामों में मसरूफ हो गए, चले गए। शाम में जब वापस आए तो देख के हैरान रह गए कि वो दीवार का वो काम जो 10 मजदूर मिलकर भी दिन में ना कर सकते, उसे अकेले मजदूर ने कर दिया है। अल्लाह, वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे, हो ना हो, ये कोई अल्लाह का वली हो सकता है, आम मजदूर तो इतना काम नहीं कर सकता। उसकी तलाश में निकले तो नहीं पता चला। मजदूरों ने कहा, वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आता है, हफ्ते के दिन, उसके सिवा नहीं आता। अब जब भी आता है हफ्ते को आता है। फिर उन्हें अबू आमिर बसरी को किसी दिन फिर काम की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा तलाश में, नहीं मिले तो जंगल की तरफ निकल गए। जंगल की तरफ जब निकले तो उन्होंने जाकर देखा वही नौजवान जंगल में बीमार है और वो कुछ पढ़ रहा है। उसमें से एक शेर ये था जो वो पढ़ रहे थे, फरमा रहे थे, या साहिबी ला तख्तरिर बितनाउमिन, ए मेरे दोस्त, दुनिया की नियामतों पे गुरूर ना हो, इतरा नहीं। अल्लाह अकबर। फल उम्र यनफदु वन्नईम यजूल, ये जिंदगी भी चली जाएगी, ये नियमतें भी चली जाएंगी। वइजा कुमिलत इलल कुबूर जनाजतुम, और जब कब्र की तरफ जनाजा उठाकर ले जाया जाए, फालम बिअन्नका बादहा महमूलन, तो तू भी यकीन कर ले कि इसके बाद तेरी बारी है। यकीन कर ले, दुनिया की नेमतों पे क्या ऐतराता है। अल्लाह, ये अबू आमिर बसरी उसके पास पहुंचे तो उस शहजादे ने नसीहत की, फरमाया, जो मेरी गुदड़ी है, जो मेरा फट्टा पुराना लिबास है, इसी में मुझे कफन देना और इसी में मुझे दफनाना है। तो अबू आमिर बसरी ने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको नए कपड़ों का कफन पहनाऊं।
उसने कहा नए कपड़े तो जिंदों के लिए होते हैं, कब्र वालों के लिए तो जैसा भी कपड़ा हो उसने तो कब्र में बोसीदा ही होना है जी, तुम मुझे इसी कपड़े में कफन देना और मेरी ये अंगूठी ले जाओ और ये कुरान ले जाओ, खलीफा हारून और रशीद को देना और उससे कहना कि खबरदार गफलत का शिकार मत होना, गफलत में मत रहना। अल्लाह अकबर। अबू आमिर बसरी ने, इतने में उनका विसाल हुआ, उनको नहलाया, कफनाया, दफनाया और खलीफा हारून रशीद के दरबार में पहुंचे तो जाकर वो अंगूठी भी दी कि फलां नौजवान एक मजदूर जंगल में उसका विसाल हुआ है, इस तरह की उसकी हालत थी, उसने ये अंगूठी दी है, ये कुरान दिया है आपके लिए और ये पैगाम भेजा है कि खबरदार गफलत में न रहना। तो खलीफा हारून रशीद ने जब वो अंगूठी देखी और कुरान तो अश्क बार हो गए। अल्लाह फरमाने लगे वो तो मेरा शहजादा था। अल्लाह जिन्हें अपने रब की खबर हो जाती है ना वो शाही भी छोड़ देते हैं और जिन्हें रब की खबर नहीं होती तो वो ये लिबास भी मेरे जैसा अपना कर भी दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं जी। अल्लाह ताला अपनी खबर होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू सईद